खबर देहरादून से है। आज उत्तराखंड राज्य के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। 17 साल का हुआ है यूपी से अलग होने के बाद उत्तराखंड। तो आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को दरअसल उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड वासियों को ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। तो राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। राज्य स्थापना दिवस पर रैतिक परेड मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। राज्यपाल और सीएम त्रिवेंद्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इसके अलावा सूचना निदेशालय में पुस्तक का भी विमोचन होगा। खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। सहकारिता विभाग के तहत किसानों को सस्ते लोन के चेक बांटे जाएंगे। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्रकारों के साथ लंच करेंगे और देहरादून के पवेलियन मैदान में कई और भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। तो आज उत्तराखंड राज्य के जन्मदिन का जश्न मनाया जा रहा है। 17 साल का हुआ है उत्तराखंड, यूपी से अलग हुए 17 साल हो चुके हैं और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जश्न का माहौल देखा गया है। इस बीच आपको बता दें कि आज ही के दिन 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और इस बीच देहरादून से सीधे तस्वीरें आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। राज्य स्थापना दिवस पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रैतिक परेड का आयोजन हुआ है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र भी आज होने वाली है और थोड़ी देर के बाद रैतिक परेड शुरू होगी। राज्यपाल और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सूचना निदेशालय में पुस्तकों का आज विमोचन होना है। इसके अलावा खेल रत्न और द्रोणाचार्य पुरस्कार आज वितरित किए जाने हैं। रैतिक परेड का आयोजन किया गया है। थोड़ी देर के बाद रैतिक परेड शुरू होगी और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे इस बीच मेरे सहयोगी सुदीप का। सुदीप जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, क्या कुछ जानकारी इस बीच मिल रही है? तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं कि एक तरफ रैतिक परेड का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, दूसरी तरफ आज और भी कई कार्यक्रम होंगे जो जश्न के इस माहौल में चार चांद लगाएंगे। अंजलि, देखिए अभी रैतिक परेड से पहले मुख्यमंत्री कचहरी स्थित शहीद स्थल गए थे जहां जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट इवेंट रैतिक परेड का है। पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी एडीजी कानून व्यवस्था पहुंच चुके हैं। फोर्स लाइनअप है, यदि मेरे सामने आप देखें एसएसपी परेड कमांडर है जो इस फोर्स को लीड करेंगी और आज के परेड में पुलिस के अलावा एसडीआरएफ का एक ड्रिल होगा जिसमें वो भूकंप के वक्त कैसे काम करते हैं बताया जाएगा। आतंकवादी और आपात स्थिति में पुलिस ने क्या नए नए गुर नए तरकीब सीखे हैं उसकी भी एक ड्रिल होगी। करीब 1 घंटा 15 मिनट तक रैतिक परेड चलेगी। कुछ ही देर में 2 मिनट बाद करीब राज्यपाल के पॉल पहुंचने वाले हैं। राज्यपाल इस परेड की सलामी लेंगे और राज्यपाल ही आज की परेड के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर के पॉल। पुलिस ने सभी व्यापक तैयारियां की हैं। कई दिनों से पुलिस लाइन में ये तैयारी चल रही थी जिससे कि जो राज्य की रैतिक परेड है 17वां वर्ष पूरा कर चुका है राज्य और 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अंजलि, आज की परेड का एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो ड्रिल होगी वो महिला पीएसी बैंड होगा। पीएसी की महिला जवानों के द्वारा एक बैंड बनाया गया, उसका प्रेजेंटेशन होगा। यदि आप देखें तो फोर्स का बैंड बज रहा है जो कि संकेत दे रहा है वीवीआईपी के मूवमेंट का, यानी राज्यपाल आने वाले हैं। तो ये अभी राज्य में जो आज का महत्वपूर्ण जो दिन है रैतिक परेड का, जो आज आयोजन हो रहा है उसका आज का पहला सबसे बड़ा इवेंट है रैतिक परेड का, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और राज्यपाल का इंतजार हो रहा है। राज्यपाल करीब 2 मिनट बाद पुलिस लाइन पहुंच जाएंगे और उनके पहुंचने के साथ ही यदि आप देखें तो परेड कमांडर ने परेड का कौशन दे दिया है। परेड कमांडर एसएसपी देहरादून निवेदिता कुकरेती हैं जो इस पूरी परेड को लीड कर रही हैं परेड कमांडर के तौर पर। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, स्कूली बच्चे, कॉलेज की छात्र छात्राएं, आंदोलनकारी, वरिष्ठ अफसर और माननीय विधायक मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है और पुलिस लाइन के इस मैदान में इस रैतिक परेड का बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसका लुत्फ लोग देख सकें और साथ ही ये भी समझ सकें कि हमारी पुलिस बल कितना तैयार हुई। उत्तर प्रदेश से अलग होकर जो फोर्स बना था उत्तराखंड का वो कितना योग्य, कितना तत्पर है, कितना शौर्य उसमें है जी। क्योंकि समय समय पर उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड पुलिस का कंपेरिजन भी होता रहा है। देखिए सलामी की ड्रिल शुरू हो चुकी है और ये सलामी दे दी गई है और मेरे ठीक बाएं हाथ पे राज्यपाल के पॉल आ चुके हैं जो कि सलामी ले रहे हैं। हम दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राज्यपाल के कि राज्यपाल फोर्स की सलामी ले रहे हैं और वो करेक्ट 10:01 पर पहुंचे हैं जो उनका पहुंचने का वक्त था और इस वक्त राष्ट्रगान की धुनों पर फोर्स ने सेवा सलामी दे रही है राज्यपाल को और अब से करीब 2 मिनट बाद ये जो रैतिक परेड है इसकी शुरुआत हो जाएगी और इस शुरुआत सीधे जो अलग अलग राज्य की पीएसी, आईआरबी, सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, टाइगर यानी गुलदार दस्ता जिसको एटीएस भी कहते हैं, उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस
स्वान दस्ता और अश्वबल यानी हॉर्स पुलिस, इन सबकी एक एक अलग टुकड़ी तैयार की गई है जिसका एक अपना कमांडर है और वो कमांडर अपनी फोर्स को लीड करते हुए इस परेड का आयोजन करेगा। ये सलामी राज्यपाल की हो गई है और आप देखने की दिखाने की मैं आपको कोशिश कर रहे हैं कि रैतिक परेड का आयोजन हो रहा है। राज्यपाल ने परेड की सलामी ली है जो कि ठीक बाई ओर खड़े हैं और अपने समय से पहुंचे हैं राज्यपाल। अब आप देखिए कि जो परेड कमांडर हैं वो परेड शुरू करने की अनुमति लेने के लिए आगे आ रही हैं और वो राज्यपाल से अनुमति लेंगी कि वो परेड के निरीक्षण के लिए परेड पूरी तरीके से तैयार है और वो अपनी अनुमति प्रदान करें। राज्यपाल अपनी अनुमति प्रदान करेंगे और जिप्सी आ चुकी है, इसी जिप्सी पर राज्यपाल सवार होंगे और राज्यपाल परेड की अनुमति के साथ ही निरीक्षण के लिए तैयार हो जाएंगे। एक सेकंड बाद ये निरीक्षण शुरू होने वाला है। राज्यपाल हट चुके हैं, राज्यपाल मंच से हट चुके हैं और नीचे उतर रहे हैं जिप्सी पे बैठने के लिए और एसएसपी जो कि इस फोर्स जो कि इस परेड को कमांड कर रही हैं उनके साथ ही आप देखिए सीधे तस्वीरों में देखिए राज्यपाल के पॉल जिप्सी में बैठ चुके हैं। उनके ठीक पीछे डीजीपी अनिल रतूड़ी, उनके साथ में एडीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार और परेड कमांडर निवेदिता कुकरेती हैं। ये निरीक्षण पर राज्यपाल के पॉल निकल चुके हैं, वो जनता का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और साथ ही जो फोर्स लाइनअप हुई है उसका भी निरीक्षण करेंगे। ये निरीक्षण वाहन है जिसमें राज्यपाल के पॉल हैं और डीजीपी अनिल रतूड़ी, एडीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार और परेड कमांडर निवेदिता कुकरेती जो कि इस परेड को लीड करेंगी वो उनको साथ लेके जा रही हैं। ये इस निरीक्षण वाहन से राज्यपाल एक यू सर्कल लेके आएंगे और जो अलग अलग फोर्सेस की टुकड़ी खड़ी है उनसे मुलाकात करने के बाद ये जो फोर्स का ड्रिल है अलग अलग वो शुरू होगा। ये एक सामान्य व्यवस्था है ड्रिल की और इससे पहले ही ये तैयारी की जाती है कि जो राज्यपाल या जो परेड को कमांड करेगा उसके साथ ही आने वाले अतिथि को अपनी बटालियन टुकड़ी की स्थिति का जायजा देना होता है। तो आप अंजलि देख सकती है समाचार प्लस पे दर्शक रैतिक परेड को लाइव देख रहे हैं और ये जो काफिला है राज्यपाल का जो उनका निरीक्षण वाहन है वो बढ़ चला है अब टुकड़ियों की ओर, जहां टुकड़ियां अलग अलग खड़ी हैं। ट्रैफिक पुलिस की टुकड़ी है वहां से निरीक्षण शुरू होगा। ट्रैफिक पुलिस के ठीक बराबर में पीएसी के बराबर में आईआरबी फर्स्ट, फिर आईआरबी सेकंड, फिर आम पुलिस, फिर सीपी पुलिस, गुलदार दस्ता, महिला पुलिस, महिला पीएसी, कुल इस तरीके की टुकड़ियां तैयार की गई हैं। परेड कमांडर की चीफ कमांडर एसएसपी हैं और उसके अलावा दो सब कमांडर हैं जो कि एडिशनल एसपी स्तर और एक सीओ स्तर के हैं। तो अंजलि ये नजारा है पुलिस लाइन का जहां एक भव्य आयोजन किया गया है रैतिक परेड का। पुलिस ने बेहतर से बेहतर रैतिक परेड को बनाने की कोशिश की है क्योंकि ये राज्य का मुख्य इवेंट है और गवर्नर स्वयं इसमें प्रेजेंट है, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं मंच से सारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव गृह आनंद वर्धन और इसके अलावा तमाम वरिष्ठ आईएएस आईपीएस और पीपीएस अफसर भी मौजूद हैं। अंजलि तो ये रैतिक परेड की शुरुआत हो चुकी है। अंजलि बिल्कुल सुदीप, तस्वीरें लगातार हम देख पा रहे हैं और बेहद ही रोमांचित कर देने वाली तस्वीरें हैं। सुदीप लगातार आप नजर बनाए रखिए, फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया ताजा तस्वीरें दिखाने के लिए और